महाराष्ट्र एक वरिष्ठ नेता और फिलहाल अजित पवार के साथी बाबा सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ है। कहीं पिछले कई सालों से उन्होंने कांग्रेस का हाथ थमा था, लेकिन अब अजित पवार जी के साथ है। इस विधान परिषद के चुनाव के नतीजे पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। बाबा, आज के नतीजे क्या बताते हैं? आज के नतीजे बताते हैं कि लोगों को अजीत दादा पे भरोसा है। जो परसेप्शन था लोगों का कि ये होगा वो सिद्ध हो गया कि अजीत दादा के लोग, अजीत दादा के वादा जो होता है जबान के पक्के हैं, और आज ये सिद्ध किया उनके मतदाताओं ने। दूसरी तरफ ये देखा जाए तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी आगे चल रही थी और एनडीए जो था महाराष्ट्र का वो पीछे चल रहा था, लेकिन आज चित्र है वो उलट दिख रहा है। वो जो सामने है वही दिख रहा है ना, क्योंकि इन्होंने कहा था इतने लोग होंगे और खुद के ही नहीं संभाल पाए बदकिस्मती से। वो राजनीति में किसको किस पे भरोसा है वो समझ में आया। अब ये तो शुरुआत है, कहते ना ट्रेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। यानी लोकसभा चुनाव में जो स्पष्ट चित्र दिखाया गया था वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। नहीं, देखिए जिस समाज ने पूरा वोट दिया था उस समाज का एक भी रिप्रेजेंटेटिव 1937 के बाद में मुस्लिम समाज का दिखेगा नहीं इस अपर हाउस में। यह जवाब महाविकास आघाड़ी को देना पड़ेगा। इसी के नतीजे को भुगतना पड़ रहा है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के कई सारे वोट फूटे। वो तो कांग्रेस, देखिए वो जो फूटे हैं वो उनका जवाब दे कांग्रेस दे पाएगी। मेरा देना ठीक नहीं है, जिस पक्ष में मैं था जब बात किया उसके बाद में आई हैव नेवर स्पोकन लाइक दिस, सो इट इज फॉर देम टू से ऑन दिस। यानी ये तो बात सच है कि 2019 में एक सीट थी बालू धानोरकर के नाम पे, वो अभी 13 हो गई, लेकिन उसका जवाब इस विधान परिषद में आपने दिया है, ऐसा लगता है? मैं तो समझता हूँ विधानसभा में भी दिया जाएगा, क्योंकि एक समाज ने पूरा वोट दिया। अब वो समाज को एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो ये महाविकास आघाड़ी को ये पूछा जाएगा ना कि फर्स्ट टाइम आफ्टर 1937 देयर विल नॉट बी अ सिंगल एक भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव विधान परिषद में नहीं है। इस विधान परिषद चुनाव के बाद आपको लगता है कि महाविकास आघाड़ी टिक पाएगी? वो सब चीजों का मैं, आपको पता है मैं विश्लेषण नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज विश गुड लक एंड ऑल द बेस्ट टू माई ओपोनेंट्स, स्पेशली कांग्रेस। आई विश देम गुड लक। सी, आई एम नॉट द टाइप who will play below the belt. मैं कभी ये नहीं करता। I would say that my party should win. किसी और के लिए मैं नहीं कह सकता। Thank you. कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़ मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.